जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आई एम कमांडर विकास यादव एंड अगेन आई एम हेयर टूडे टू हेल्प यू आउट टू क्लियर योर स्टेज वन, और जिसको आप स्क्रीनिंग भी बोलते हो। तो इसको कैसे इस तरह से करें कि वो इजी हो जाए, तो मैं एक तो आई थिंक मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया इसके बारे में, बट आई विल टेल यू फ्यू बेसिक टिप्स जो आपको उस टाइम पे यूज करने हैं, और कुछ गलतियां जो नहीं करने हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। सो पिक्चर आपको पता है, पहले OIR टेस्ट होगा, OIR टेस्ट पहले पहला होगा, फिर दूसरा होगा। जब ये दोनों टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको एक पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई जाएगी फॉर 30 seconds, एंड देन स्क्रीन पे से पिक्चर चला जाएगा और आपको 4 मिनट में पूरा उसका स्टोरी लिखना है एक शीट पे जो आपको मिलेगा। उस शीट में यहां पे एक अलग से बॉक्स बना होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आपको दिखाने होते हैं वो आपको यहां पे लिखने हैं कि भाई मेल है कि फीमेल है। सपोज आपने दो मेल और एक फीमेल, आपको लगा मेल का एज है करीब 25 years, इस अनदर मेल 30 years, फीमेल में भी अगेन 21 years। मूड आप ऐसे नहीं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं मूड यू नो जॉली है, हैप्पी है, इट्स नॉट। ओनली 3 criteria आपको सेलेक्ट करना है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल। आप कह सकते हो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अगेन मे बी न्यूट्रल, और दिस मे बी नेगेटिव। तो ये आपको जनरली अगर कुछ नहीं दिखाया गया नेगेटिव तो जबरदस्ती नहीं देखना है, अगर जो आपको दिखाई दे रहा है उसी पे जाना है। सो ये आपको लगता है दिस इज ऑल्सो मे बी पॉजिटिव एंड दिस मे बी न्यूट्रल और समथिंग। यहां पे एक टाइटल है, इसमें और TAT में यही अंतर होता है कि आपको टाइटल यहां पे पूरा क्लियरली लिखना पड़ता है कि आपकी स्टोरी किस लाइन पे जानी है। और जो भी आपको सेंट्रल कैरेक्टर उस पिक्चर में लगता है, सपोज ये मेल है या ये वाला मेल या फीमेल, उसके अराउंड आप एक सर्कल ऐसे बना दो। जनरली हाउ यू डू राइट, ये आप सबको पता है, वहां इंस्ट्रक्शन में आपको बताया भी जाएगा, एंड इनफैक्ट आप ये सब फॉलो भी करोगे। लेकिन मेन चीज आता है, आपने स्टोरी लिख दिया, आपका जमा हो गया, अब इसके बाद क्या कर लिया? मिनिमम कितना भी कम टाइम मिले या आपका पहला ही बैच क्यों ना हो डिस्कशन के लिए, फिर भी आपको 15 मिनट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जब आप सारे लोग ये जमा करते हो अपना, वहां पे आपका ये शीट ले लिया जाता है, आप लोग बाहर जाओगे, आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और एक एक ग्रुप करके आपको बुलाया जाएगा। तो आपके जाने के बाद ऑफकोर्स चेयर अरेंज इन सेमी सर्कुलर मैनर वेयर एंटायर ग्रुप कैन सिट इन फेस ईच अदर, असेसर्स सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल। सो एटलीस्ट यू विल गेट 10 टू 15 मिनट्स, इनफैक्ट 15 मिनट्स तो बहुत इजीली है जो मिलता है, एट टाइम इट इज क्वाइट हाई, 1 hour और 2 hours भी हो जाता है। ये टाइम सबसे जरूरी है, इस टाइम में आपको अपने नरेशन का प्रैक्टिस करना है कि मैं इस पिक्चर को, जो भी मैंने स्टोरी लिखा है अभी इस पिक्चर पे, उसको कैसे नरेट करना है। यहां अगर आप उसको कम से कम 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, इट बी वेरी इजी फॉर यू टू नरेट देयर। और अगर यहां प्रैक्टिस नहीं किया तो यू विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट, फिर आप या तो हेजिटेट होगे या फिर आपको लगेगा कि सही लिखा है नहीं लिखा है। तो इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपका वह अच्छे से नरेट कर पाओ। अब कई बार बच्चों का डाउट आता है कि मैं अपना ना स्टोरी पूरा नहीं लिख पाया, 4 मिनट बहुत कम लगे, अभी कुछ आगे ऐड करना है, तो यू कैन ऐड ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां बोल सकते हो कि सर आई जस्ट नॉट एबल टू फिनिश माई स्टोरी, आई वॉन्ट टू ऐड ऑन फ्यू मोर लाइन्स, और उसके बाद उसको ऐड कर। गलती क्या करते हैं, अपना स्टोरी लाइन और थीम लाइन चेंज नहीं करना है, आप जो लिख के आए उसी पे आपको बनाना है, बिल्डअप करना है। उसका अगर प्रैक्टिस करना है तो यहां से इससे पहले करना है, बाद में आपने जो भी बनाया उसको जस्टिफाई करो कि व्हाई डिड यू मेक दिस स्टोरी। जब प्रैक्टिस करके अभी आप बैठे हो, सपोज इफ यू कम हेयर अगेन, आप यहां पे आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, और दिस इज योर सपोज सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे एक सेमी सर्कुलर मैनर में होगा राइट, ऐसे सेमी सर्कुलर मैनर में आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट होगा, और इसमें आप लोग यहां पे ऐसे कहीं बैठे होंगे, ऐसे मतलब यू नो यू आर सिटिंग ऑन सम काइंड ऑफ ए चेयर्स, आप पूरा यहां बैठे हो, यहां पे असेसर्स बैठे, आप आए, ऑल ऑफ यू विल सेटल डाउन इन सीक्वेंस 1 by 1। नाउ नरेशन विल बी जीचो विल अगेन आई मीन ही गोना ब्रीफ यू कि कैसे टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं, कि आप एक एक करके अपने पहले नरेट करोगे, बाद में आपस में डिस्कस करोगे, फिर एक कॉमन कंसेंसस पे आओगे, उसके बाद कुछ रूल्स लाइक आपको बैठे रहना है, असेसर्स की तरफ नहीं देखना है। लेकिन डिस्पाइट टेलिंग बाय द असेसर और दिस ब्रीफिंग
बच्चे गलतियां करते हैं कई बार, तो वो नहीं करने हैं। विच अगेन आई एम गोना कम इट, बट पहले मैं बता दूं आपको, सपोज ये चेस्ट नंबर वन है, इसमें 12 बच्चे बैठे हो, तो पहले ये अपना स्टोरी बताएगा, फिर ये ऐसे करके एक करोगे, द मोमेंट लास्ट कैंडिडेट फिनिशेस नरेशन, डिस्कशन ऑटो में स्टार्ट हो। अब आप गलती क्या करते हैं, या तो कुछ लोग बहुत छोटा नरेट करते हैं, 10-15 सेकंड में खत्म कर दिया, या बहुत लंबा उसको लेंथी करते हैं। जो प्रैक्टिस भी करना है उसको 50 सेकंड्स टू 1 मिनट कीजिए, वो परफेक्ट टाइमिंग है, ताकि आपका सारा का सारा जो चीजें हैं उसमें 1 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाए, क्योंकि हर किसी को टाइम मिलना है, इतना टाइम नहीं है आपके लिए, डिस्कशन में भी बाद में करना है कि आप बोले जा रहे हो एंड एवरीवन इज लिसनिंग। तो अगर आपने वो 50 सेकंड्स टू 1 मिनट में करा तो ठीक है, अदरवाइज देन यू नो असेसर विल से नेक्स्ट एंड आपका बीच में कट हो जाएगा। कई बार होता है कि आप पे कुछ मेन पॉइंट बचे हो, आप नहीं दे पाओगे, तो बेटर आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। दूसरा, उधर वो ब्रीफिंग में ही बताया जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है आपको, ये जो आप नरेट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, आप इस ग्रुप में कर रहे हो, राइट, यू डू नॉट लुक एट दस, इनकी तरफ जहां पे हमारे असेसर्स 3 बैठे हुए हैं, इनकी तरफ आपको नहीं देखना है, ये डिस्कशन आप उनको देख के नहीं कर रहे हो। कुछ अगर पूछना है डाउट, अगर वो ब्रीफिंग करें तब देखना है, जब वो ब्रीफ करें तब देखना है, जब वो कोई पॉइंट बता रहे हैं तब देखना है, या कुछ डाउट अगर आपने उस टाइम पे पूछा तो उधर देख के करना है। लेकिन द मोमेंट ये आपका नरेशन एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गया, जब तक बीच में से कोई नहीं बोलता है, इफ एनी असेसर स्पीक्स इन बिटवीन ऑल ऑफ यू विल लुक, उनको देखना है, कोई भी बात करता है आपको देखना है, लेकिन नहीं तो ये स्टोरी नरेट इनको देख के करना है, डिस्कस भी इनके साथ करना, तो ये गलती नहीं करना आपको। तो आपने सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करी कि आप अपना जो स्टोरी है उसको 50-60 सेकंड के अंदर उससे अच्छे से नरेट कर पा रहे हो, फिर जैसे ही डिस्कशन पार्ट आएगा, एंड विच इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, इज कई बार क्या होता है सारे लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, कई बार कोई बहुत कम बोल रहे हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करना है, तो बिल्कुल क्योस नहीं मचा देना। और क्या करना है आपको, एटलीस्ट पहले आप बताओ कि आपने अपना जस्टिफाई करके बताओ कि वाई डिड यू मेक दिस स्टोरी। पुरानी वीडियो में मैंने बताया कि जो आप बैकग्राउंड हो उसके बेसिस पे स्टोरी बनाते हो, और उस पे आपको आना है कि सर मेरे को ये लगा, या आप बच्चों को जब बता रहे हो कि ओके सपोज एक कोई बास्केटबॉल कोर्ट दिखा दे, कोई समथिंग कुछ भी दिखाया हुआ है, और आपने स्पोर्ट्स पे बनाए कि मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आई कैन सी दिस ग्राउंड एंड वी कैन सी सम, अगर कोई क्रिकेट का है या बास्केटबॉल का है, किसी के हाथ में बॉल है कि वी कैन क्लियरली सी समबडी होल्डिंग द बॉल, मस्ट बी अ टूर्नामेंट और समथिंग, तो जो भी आपने बनाया उसको यहाँ पे डिस्कस में उसको जस्टिफाई करना, राइट, वंस यू डू इट तो देयर विल बी अ बेटर इंपैक्ट, पीपल विल आल्सो लिसन टू यू एंड इवन एन असेसर आल्सो, उनको समझ में आता है कि हाँ इस बच्चे ने बाकी फिर डिटेल में अपनी पिक्चर को देखा है और उस बेसिस पे बना रहे हैं। कि बहुत से बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, अपने घर से एक थीम रट के आते हैं और उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं, पिक्चर कोई भी आएगा वो अपना वही थीम लेके चले, हमें ऐसा नहीं करना है। इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच एनी कैंडिडेट कैन डू वाइल ही गो फॉर SSP। तो स्टेज वन में अगर आपको रिकमेंड होना है तो पिक्चर को पूरे डिटेल में देखना है, उसके बेसिस पे आपको जो थीम आपका आ रहा है उसके बेसिस पे बनाना है। प्रैक्टिस नरेशन का बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे डिपेंड करता है आपके स्किल्स जो आते हैं बाहर, उसी पे आते हैं। और डिस्कशन में आपको जस्टिफाई करना है व्हाई डिड यू मेक दिस स्टोरी। अगर किसी और की स्टोरी में आपको कुछ अच्छा लगता है उसको भी आप पिकअप कर सकते हो, एंड ट्राई टू कम ऑन टू द कॉमन कंसेंसस। कई बार लोग बहस करने लगते हैं, बोलते हैं सर फिश मार्केट बन गया, कोई सुन नहीं रहा है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि आप हमेशा नेगेटिव में स्टार्ट करते हो। नेगेटिव मतलब ऐसे नहीं कि नेगेटिव स्टोरी है, बट आप स्टार्ट कैसे करते हो कि आई डोंट एग्री विद दिस, या मेरी स्टोरी ये है उसका ये है। आपको कुछ कॉमन थीम पकड़ लेना है। सपोज अगर कुछ नहीं मिला, कम से कम नंबर ऑफ कैरेक्टर तो सेम है, किसी ने तो 2-4 लोगों ने जैसा बैकग्राउंड देखा है, तो एज मोस्ट ऑफ अस हैज सीन यू नो बास्केटबॉल काइंड ऑफ ए कोर्ट, और मे बी काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी, और यू नो चेस्ट नंबर 7-5-2 जिसका भी आपने सुना है कि उन्होंने भी नोटिस किया है कि यहाँ पर ये कुछ गेम से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या दो ही कैरेक्टर हैं, तो कुछ समथिंग विच इज कॉमन उस पर स्टार्ट करोगे तो पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। एंड एज एन असेसर हम भी यही देखते थे, मतलब क्या देखता था कि बच्चा उस जो उसका मेन अभी एम है कि कंसेंसस पे लेके आना है, उसकी तरफ काम कर रहा है, नरेट भी अच्छे से किया है, ऑफकोर्स आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा मतलब आप उसमें आओगे लाइट में, यस दिस इज अ कैंडिडेट जो थोड़ा सही बोल रहा है, बाकी लोगों को भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। सो एज एन असेसर ऑफकोर्स आई विल यू नो व्हाई विल आई लीव दिस काइंड ऑफ अ कैंडिडेट, मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए,
फाइनली हमें भी तो स्टेज टू में लेके जाना है ना बच्चा, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, बैठे रहना है, हाथ बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। कुछ लोग फिंगर यूज करते हैं ऐसे, नो आई नॉट एग्री विद दिस। छोटे छोटे आपस में ग्रुप नहीं बनाने कि 11 12 आपस में करने लगे हैं, या ये तीन लोगों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया है, ये अपना अलग डिस्कस कर रहे हैं, ये गलतियां नहीं करना है। जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आप पूरे ग्रुप को एड्रेस करो, राइट? तो आपको पूरे ग्रुप को देख के ऐसे देखते हुए इनको एड्रेस करना। और जब भी आपको मौका मिले, कई बार वो ना बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होता है कि सब कुछ चुप होते हैं, तो यूज दीज काइंड ऑफ अ गैप्स। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं प्लीज स्पीक वन बाय वन, स्पीक वन बाय वन, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। ये नहीं करना है, मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा क्योस है, यू कैन ब्रिंग इट आउट, एक एक करके बात करना है, पर इसके अलावा भी बोलना है। सिर्फ यही नहीं करना है कि यही बोलते रह जाओ और बाद में आपका वहां पुलिसिंग का रोल नहीं है। एवरी वन इज हेयर टू गेट रिकमेंडेड, आपको उस चीज को समझना है और उसी हिसाब से हैंडल करना है। मोर लॉजिकल यू आर इन योर स्टोरी नरेशन, आई मीन सॉरी इन योर स्टोरी मेकिंग, इफ यू आर कॉन्फिडेंट वेल यू नैरेट एंड यू स्पीक, पीपल विल लिसन टू यू, और आपके स्टेज वन के चांसेस आर वेरी वेरी ब्राइट। एंड देखो मैं तो ऐसे बच्चे सेलेक्ट करता था, मैं क्या जहां भी हम गए ऐसे सेलेक्ट करते थे कि यार ये बच्चा बहुत अच्छे से बात किया है, कॉन्फिडेंटली बनाया है इसने, इसे जस्टिफाई किया कि इसने स्टोरी क्यों बनाया। और बहुत नेगेटिव अननेसेसरी नहीं जाना लाइफ में, इतना जरूरत भी नहीं है। और उस अगर ये सारे टिक मार्क्स पे अगर वो खरा उतरते तो वाई नो टेक हिम इन, उस बच्चे को हर कोई अंदर लेके आगे 5 दिन के लिए करेगा। तो आई एम श्योर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे एंड यू विल गेट